सोशल मीडिया पर एक लाइव मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर लाठी डंडे व बेल्ट से मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। मारपीट का मामला उधार का पैसा मांगने को लेकर हुआ था। वायरल वीडियो गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मारपीट करने वाले दबंग लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, यह पूरा मामला गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा का है, जहां के रहने वाले टिंकू की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और तेजूपुरवा के निवासी शनि ने एक एलईडी बल्ब टिंकू की दुकान से लिया था और कुछ पैसे उधार कर गया था। उधार का पैसा मांगने पर दुकानदार के छोटे भाई को महंगा पड़ गया, जिसके बाद दबंग शनि ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दुकानदार के घर धावा बोल दिया और लाठी डंडे व बेल्ट से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित दुकानदार के साथ उसके परिवार वाले भी घायल हो गए। वहीं गंगाघाट पुलिस ने हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी ने बताया कि एक दुकानदार की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसके कुछ रुपए बाकी थे। उसने जब मांगा तो उन्होंने एक पक्ष द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में थाने पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा जो भी मारपीट करने वाले थे उनमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 151 की कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दो पक्षों में मारपीट हो रही है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि एक दुकानदार की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसके कुछ रुपए बाकी थे और उसने जब मांगा तो इन्होंने एक पक्ष द्वारा मारपीट की घटना की गई। इसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा जो मारपीट कर रहा था उसके पक्ष के दो व्यक्तियों को 151 की कार्रवाई की जा रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। Hadi bir daha.